सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों फिलहाल मैं एक बहुत ही शानदार सी लोकेशन पे हूँ, बेसिकली सड़क किनारे दोस्तों गाड़ी लगाई हुई है और मैं जहाँ पे जा रहा हूँ आज वो भी बहुत ही एक शानदार काम के लिए जा रहा हूँ, जिसका आपको वीडियो मिलेगा अगर सब कुछ ठीक रहा, एडिट हो जाएगा कल तक, तो कल मिलेगा आपको उसका वीडियो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों करते हैं शुरुआत सीधा पहले पुराने पोल देने में। सवाल ये था कि मी मिक्स फोल्ड, दोस्तों बात कर रहे हैं फोल्डिंग फ़ोन की शाओमी की, अगर वो आता है 1,20,000-25,000 की रेंज में तो क्या आप उस फ़ोन में इंटरेस्टेड होंगे क्या? आप में से बोला है सिर्फ 15% ने कि यार हम उस फ़ोन को लेना चाहेंगे और बाकी बोलते हैं नहीं भाई बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों भी ऐसे में आज का सवाल आपके लिए है कि जब मैं भी आ रहा था ना, मेरे को जस्ट रास्ते में एक बोर्ड दिखा टेक्नो मोबाइल का एक दुकान पे, तो क्या आप दोस्तों टेक्नो या इन्फिनिक्स, ये जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, कॉमियो वगैरह जो होते हैं, क्या आप इनको परचेज़ करते हैं या क्या आपके आसपास किसी ने परचेज़ किया है या आप इनको सीधा इग्नोर करते हैं? आपका क्या है जवाब बताना जरूर सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कॉमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह वीडियो में सीधा दबा डालिए पूरी ताकत से लाइक बटन को। अब दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेके, निकल के आता है हमारे पास में ओप्पो F19 को लेके, और ये दोस्तों जो फोन है वो इंडिया में 6 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। अभी यहाँ पे दोस्तों पहले आया था ओप्पो का F19 प्रो और साथ में आया था प्रो प्लस 5G, अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे में F19 की। लेट सी कि ये फोन किस कीमत पे इंडिया में लॉन्च होता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे रेडमी गेमिंग फोन को लेके भैया, जिसमें लगा होगा डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर। मज़े की बात यह है कि दोस्तों इंडिया में ये पोको हैंडसेट के फॉर्म में आ सकता है, आई मीन दोस्तों यहाँ पे ये पोको F3 बन के आ सकता है या F3 तो यार बाहर एक और है। तो यार ये रीब्रांडिंग का चक्कर इतना ज़्यादा हो गया ना कि समझ नहीं आता है कि क्या सही है क्या नहीं है। लेट्स सी क्या रहती है इस फ़ोन की पूरी कहानी। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में रैपिडो को लेके, और यहाँ पर दोस्तों रैपिडो जो आप जानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों ये एक बेसिकली राइड्स प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रैवल करना है तो यहाँ पर दोस्तों ये अप टू 50 रुपीज़ की फ्री राइड्स प्रोवाइड करने वाले हैं अगर आप जा रहे हैं COVID-19 वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में। तो यार ये एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपको जेब से उस राइड का खर्चा नहीं देना पड़ेगा और आप जा के अपनी जो वैक्सीन है वो लगवा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है कोर्टाना को लेके। कोर्टाना याद है किसी को? एक टाइम पे हुआ करता था हे कोर्टाना, और बाद में कोर्टाना बहुत सारे काम करती थी, कुछ कुछ नहीं भी करती थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों फिलहाल अभी इसकी जो वर्चुअल असिस्टेंट वाली ऐप है एंड्रॉइड और iOS के लिए, उसको माइक्रोसॉफ्ट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में मी 11 अल्ट्रा को लेके, और यहाँ पे इसकी लॉन्च डेट सामने निकल के आ गई है जो कि है 23 अप्रैल की। शॉमर दोस्तों रिवील कर दिया है, अभी ऐसे में देखते हैं कि और कौन से फोन्स मिलते हैं हमको मी 11 सीरीज में। मी 11 अल्ट्रा तो खैर एक हो ही गया है, और आखिर ये फोन इंडिया में किस कीमत पे लॉन्च होता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे इंस्टाग्राम को लेके, और भैया जो लोग इंस्टाग्राम रील्स में धूम मचा रहे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ जाके भैया मेरे को भी फॉलो कर लो, तो यहाँ पर दोस्तों अभी उनके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे आ गया है रीमिक्स वाला फीचर जो कि वो टिकटॉक का ड्यूएट हुआ करता था। हालांकि टिकटॉक वाला ड्यूएट तो बहुत अजीब सा हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम में इस रीमिक्स वाले फीचर को क्रिएटर्स, रीलर्स या इंस्टाग्रामर्स कुछ भी कहें वो यूज़ कर पाएंगे। अगला उसका अपडेट निकल के आता है यहाँ पे रियलमी के C20, C21 और C25 को लेके। रियली बोलता है कि हम एक साथ लॉन्च कर देंगे तीन तीन फोन्स। यहाँ पर दोस्तों डेट निकल के आ गई है 8 अप्रैल की। मतलब इमेजिन करो किस दिन एप्पल सो के उठे और एप्पल को सपना आए कि हम लॉन्च करेंगे एक साथ iPhone 13, iPhone 14 और iPhone 28। कुछ ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे रियलमी C20, C21, C25। लेट्स सी किस कीमत पे क्या फोन हमको देखने को मिलते हैं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे पबजी लाइट को लेके, और यहाँ पर दोस्तों अभी ये गेम हो गया है गो वेंट गॉन। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सीन खत्म हो गया इस गेम का। जो प्लेयर सपोर्ट है दोस्तों वो 29 मई को ख़त्म हो जाएगा, वेबसाइट इसकी बंद हो चुकी है, गेम अभी आप डाउनलोड वगैरह नहीं कर पाएंगे अगर आपके फ़ोन में है या जैसे आप अगर यूज़ करते हैं जो लोग, तो वो दोस्तों कर पाएंगे इस गेम को यूज़। अभी के लिए समझ नहीं आ रहा यार क्या चल रहा है पबजी का, हम तो बात कर रहे हैं और ये ग्लोबली हुआ है दोस्तों। बाय द वे पबजी लाइट जो है पबजी ने ख़त्म कर दिया है, ख़त्म जो भी किया हो अभी एटलीस्ट जल्दी से इंडिया में जो पबजी मोबाइल इंडिया है वो लेके आ जाओ, बिकॉज असली मज़ा उसमें आने वाला है। अगर आपको भी वो देखना है तो जल्दी से वीडियो में भी काफ़ी लाइक बटन दबा ही दो। अगला उसका अपडेट निकल के आता है यहाँ पे गूगल स्टैक ऐप को लेकर, और यहाँ पे दोस्तों ये आ गई है सामने जहाँ पे अभी आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं, कैटेगराइज वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी बिल, पर्चियाँ, रसीदें, इनवॉइसेज वगैरह को स्कैन कर रखना पड़ता है तो यहाँ पे आप गूगल स्टैक ऐप को यूज़ कर सकते हैं। अगला उसका अपडेट निकल के आता है यहाँ पे सैमसंग को लेकर, और गैलेक्सी F02S और गैलेक्सी F12, ये दो नए फोन आ रहे हैं दोस्तों सैमसंग की तरफ से, 5 अप्रैल को इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। फ्लिपकार्ट के लिए दोस्तों हैं ये गैलेक्सी एफ सीरीज के फोन्स अभी। लेट्स सी
कि ये किस कीमत पे क्या स्पेक्स अपने साथ में लेके आते हैं, क्या आपके साथ में कोई प्रैंक हुआ है क्या, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों बस पता वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।